श्रृंगार फिल्म का ट्रेलर व पोस्टर हुआ लॉन्च। फिल्म के निर्माता हैं एम के मित्तल ने बताया कि हमारी फिल्म कंपनी श्री मित्तल मूवीज की नई फिल्म श्रृंगार का निर्माण हो चुका है। आज आपके सामने इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया गया है और ये फिल्म जल्द ही आपके सामने होगी। फिल्म के निर्देशक मंजूर अली कुरैशी ने बताया कि फिल्म आज के जमाने के अनुसार ब्यूटी पार्लर के नाम पर चल रहे अवैध संबंध व अवैध व्यवसाय जैसे ज्वलंत विषय पर आधारित है। इस फिल्म में ऐसे एक परिवार की कहानी बताई गई है जो ब्यूटी पार्लर व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इस फिल्म के निर्माता हैं एम के मित्तल व फिल्म के लेखक संतोष निर्मल एवं राजस्थान के चर्चित कलाकारों में शामिल विनोद भट्ट, मीनाक्षी परमार, शाहिद कुरैशी, वर्तिका चतुर्वेदी, मनुषा सैनी, संतोष कंवर एवं मोहम्मद इकबाल खान ने इस फिल्म में अपना अभिनय का जलवा दिखाया है। आपको बता दें कि ये मोहम्मद इकबाल खान की ये पहली फिल्म है। साथ ही आपको जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद इकबाल दरबाज लक्ष्मी महिला अर्बन को ऑपरेटिव बैंक जयपुर के सीईओ जो कि अत्यंत व्यस्त नौकरी के बावजूद राजस्थानी फिल्मों में अभिनय का जलवा दिखाया है। आज श्रृंगार फिल्म के पोस्टर व ट्रेलर लॉन्च के अवसर पर मुख्य अतिथि नगर निगम हेरिटेज डिप्टी मेयर असलम फारूकी और फारूक आफरीदी, उर्दू एकेडमी मेंबर आसिफा अली सहित राजस्थानी फिल्मों में जुड़े अन्य साथी भी इस अवसर पर मौजूद रहे। आपने किया ये श्रृंगार फिल्म है जो हमारे मंजूर भाई ने डायरेक्टर साहब यही है और इसके निर्माता मित्तल साहब है जी। और इन्होंने एक हमारी जो संस्कृति है उसका संदेश देने के लिए फिल्म बनाई है और इस फिल्म के अंदर जो हीरोइन है उसके बारे में ये बताएंगे क्या फिल्म है, क्योंकि कुछ बातें बतानी है कुछ नहीं बतानी, लेकिन इसके अंदर इन्होंने जो पुलिस का किरदार दिया है ठीक है ना, तो जो भ्रष्ट पुलिस वाले होते हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, क्योंकि जितना भी अपराध होता है उसको बढ़ावा पुलिस वाले देते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि सारे पुलिस वाले भ्रष्ट होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये देखने को आता है कि आम जन में विश्वास अपराधियों में भय की जगह अपराधियों में विश्वास आम जन में भेद देखा जा रहा, उसको लेकर इन्होंने ये फिल्म बनाई है जिसमें कई पुलिस वालों को सस्पेंड किया जाता है ताकि हमारी जो पुलिस की वर्दी है उस पर दाग नहीं लगे। जैसा कि अभी आपने ट्रेलर देखा होगा उसके अंदर बताया कि सरकार हमें सिर्फ वर्दी देती है, हिम्मत और साहस हमें खुद को जुटाना पड़ता है, और ये नौकरी नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो हमें जनता के प्रति निभानी है और जनता में जो हमारे लिए विश्वास है उस विश्वास को हमें बनाए रखना है। और मैं सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि आप लोग आए, उसके लिए मैं सभी परिवेश को ध्यान में रख के बनाई गई फिल्म है और एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते हुए वो अपने वैवाहिक जीवन को भी दांव पे लगा देती है। और जहाँ तक बात करते हैं कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए शादी के 20 साल बाद बड़ी मन्नतों से अगर बच्ची होती है और वही बच्ची कुछ और गुड़ खिलाती है तो माँ बाप पर क्या बीतती है, ये सब कहानी को ध्यान में रख के बनाई गई फिल्म श्रृंगार है। और आगे मैं इसलिए नहीं बताऊँगा कि फिल्म देखने को बाकी गहराइयों से आभार और शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया पर्सन का और हमारे आज के स्पेशल गेस्ट शरी का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस नाजिस मंजर अफजाई के लिए पहुँचे। और निर्माता निर्देशक मैं आशा करता हूँ, भगवान पे विश्वास करता हूँ और ये विचार भी सोचता हूँ कि फिल्म अपने आयाम स्थापित करेगी और जिस रूप में इसको बनाया गया है, जिस सोच के साथ बनाया गया है, समाज में वो मैसेज देने में भी ये सक्सेस रहेगी। मंजूर भाई राजस्थानी फिल्मों में मात्र एक नाम है जो राजस्थानी कल्चर को पटल पे रखते हैं, राजस्थानी कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। मंजूर भाई आप एक ऐसे मात्र शख्स मेरे को राजस्थान में लगते हैं जो राजस्थानी कल्चर से भी लगाव रखते हैं और राजस्थानी कल्चर को फिल्मों के माध्यम से लोगों के अंदर एक मैसेज के रूप में भी काम करते हैं। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ ये फिल्म आने वाले टाइम में एक आयाम स्थापित करे और मंजूर भाई ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहेंगे। पूरी टीम को जो इनके साथ काम कर रही है सबको बहुत बहुत मुबारक। ये परिवेश को ध्यान में रख के बनाई गई फिल्म है और एक ऐसी लड़की की कहानी है
जिसकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा होती है, जिसके चलते हुए वो अपने वैवाहिक जीवन को भी दांव पे लगा देती है। और जहाँ तक बात करते हैं कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए कितने तड़पते हैं, और शादी के 20 साल बाद बड़ी मन्नतों से अगर बच्ची होती है और वही बच्ची कुछ और गुल खिलाती है तो माँ बाप पर क्या बीतती है, ये सब कहानी का और ध्यान में रखकर बताया कि फिल्म श्रृंगार है। और आगे मैं इसलिए नहीं बताऊँगा कि फिल्म देखने को बाकी क्या रह जाएगा, लेकिन मैं एक बार ये चाहूँगा कि आने वाले जो गेस्ट हैं उनके लिए जोरदार तालियों से उनका सम्मान किया जाए, और मीडिया पर्सन के लिए भी स्पेशल तालियों से उनका स्वागत किया जाए कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें यहाँ पे इज्जत बख्शी। इसके लिए दिल की गहराई से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और अब मैं निवेदन पुलिस कर्मी का, इसमें मैंने डीसीपी का रोल अदा किया है और मैं इसके लिए डायरेक्टर मंजू भाई को, मित्तल साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने इसमें मुझे मेहमान कलाकार की भूमिका दी है, जिसमें मैंने डीसीपी का रोल निभाया, जिसमें मैंने जो करप्टेड ऑफिसर होते हैं उनको एक संदेश दिया है कि पुलिस का क्या रोल होना चाहिए और पुलिस को कैसे काम करना चाहिए और किन कामों से पुलिस को बचना चाहिए ताकि जो पुलिस विभाग है उस पर दाग नहीं लगे। जी हाँ, पहले तो मैं सभी मीडिया का धन्यवाद देता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ आप लोगों ने इतना इतने वक्त निकाला और इतना प्यार हमें दिया। जो फिल्म श्रृंगार जो फिल्म है, बेसिकली आपने सही कहा कि आजकल वीडियो ट्रिपिंग का भी काम चल रहा है और हमारे जो युवक हैं इस तरह से गलत राह में भटक रहे हैं, और एक माँ बाप के प्रति बच्चों की उदासीनता जो देखता हूँ मैं कि माँ बाप अपने बच्चों को कितने लाड़ प्यार से पालते पोसते हैं और फिर उसके अगेंस्ट माँ बाप के जाके वो काम जो करते हैं, यहाँ तक कि महत्वाकांक्षा इस कदर भर जाती है हीरोइन की कि वो अपने वैवाहिक जीवन को भी दाव पे लगा देती है। जब दाव पे लगाती है तो उसकी जो हेल्प जो करने को तैयार हो जाए, हम ये देखते हैं कि भाई आम जन में विश्वास नहीं है और अपराधियों में विश्वास है, ये उल्टा है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि आम जन में विश्वास होना चाहिए, अपराधियों में खौफ पैदा करते हैं हमारे डीएसपी साहब, जो इन्होंने इस युक्ति को सुलझाते हैं और उस तह तक पहुंचते हैं जो लोग नहीं पहुंच पाते, और इसीलिए एक मिशन तैयार करते हैं। और हो सकता है आने वाले टाइम पर आप डिप्टी मेयर साहब को भी एसीपी के करेक्टर में देखेंगे, एक सरप्राइजिंग रोल है इनके लिए जो मैं अभी साहब को लेकर करूँगा काम। और ये फिल्म अपने आप में युवाओं को ध्यान में रखकर बनाई फिल्म है और अच्छी फिल्म है, कोशिश की है। अब कितना दर्शकों को पसंद और प्यार मिलता है ये तो वक्त बताएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद।